गर्मियों के मौसम में आम सस्ते और अच्छे मिलते हैं। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा या खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। फिरदौस किचन में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे आम लिया हुआ है, इसे हम छिलके निकालेंगे और इसे हम घिसेंगे। इसे हम पूरा बारीक कर लेंगे और हमने फ्लेम पे कढ़ाई रखी है। पूरे घिसे हुए आम इसमें डालेंगे हम। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसमें हम शक्कर डालेंगे और साथ में गुड़ भी डाल देंगे। चम्मच की मदद से इसको मिलाएंगे। बहुत आसान तरीका है आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने का। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। इसमें अब हम टेस्ट के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और भुना हुआ जीरा, साथ में काला नमक, और डाल के अच्छे से मिलाएंगे। हमारे आम की खट्टी मीठी चटनी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सर्व करें। यूट्यूब चैनल फिरदौस किचन में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में बताएं हमारे आम की खट्टी मीठी चटनी कैसी बनी है। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।